I'm Areeba Tanveer from Class C. I read in Muslim High School System, studying in Amelian Park, Lahore, Kent. Today, I'm going to talk about how to become a successful in life. I share with you more and listenable story about successful personalities. Dear friends, har insaan chahe mashhoor ho ya gumnaam, bada ho ya chota, ameer ho ya gareeb, zindagi mein uska waasta kabhi na kaami se zarur pada hota hai. आज मैं आपको ऐसे लोगों की नाकामी के बारे में बताऊंगी जिन्हें आज की दुनिया में बहुत अजीम और तसव्वुर किया जाता है. आइंस्टाइन, दुनिया का सबसे मशहूर साइंसदान. जब पैदा हुआ था उसका जिस्म बिल्कुल कमज़ोर और सारे काम बच्चे से बहुत बड़ा था और वो 4 साल की उम्र में बोलना शुरू हुआ. लेकिन आज उसकी थ्योरी सारी दुनिया निसाब में पढ़ती है. न्यूटन, एक मकबूल तरीन साइंसदान जिसका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं. वो जब स्कूल में पढ़ता था तो सब कहते थे नालायक है, इसमें कोई स्पार्क नहीं है, और ये कहा जाता था न्यूटन बहुत ज़हीन या रोशन मिजाज लड़का नहीं है. लेकिन आज लाइट बल्ब का मौजूद है, बैन अलिकॉमी शोहरत का हामिल है. थॉमस एडिसन, जब स्कूल में पढ़ता था तो एक लापरवाह पढ़ाई पर तवज्जो ना देने वाला बच्चा था. वॉल्ट डिज्नी, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था. जब वो एक अखबार में काम करता था तो वहाँ के एडिटर ने उसको ये बोल कर निकाल दिया था कि तुम्हारी तकनीकी सलाहते बहुत कमज़ोर हैं. लेकिन वही वॉल्ट डिज्नी जो 100 के करीब कार्टून करेक्टर खुद बना चुका है, अगर उसकी तस्वुर की दुनिया खाली थी तो सब कार्टून की वजह से आए. सो माई डियर फ्रेंड्स, कोई भी अकल और फैम अपनी गुट्ठी में लेकर पैदा नहीं होता. कोई किसी ज़्यादा या कम नहीं होता, सब बराबर होते हैं. और जो मेहनत और लगन जारी रखता है सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो कामयाबी से हमकिनार हो जाता है. याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंसान में कुछ भी खास या आम नहीं होता. जिसमें जज्बा होता है वो बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल काम करके ही दम लेता है. और जो इंसान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाता है, वक्त ज़ाया करता है, वो पीछे रह जाता है. दोस्तों, अपनी बात के आखिर में आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ. अपनी किसी भी नाकामी को सर पर सवार ना करें. जानी जानी चीज़ है, आज नाकामी तो कल कामयाबी होगी. बस मायूस मत हो, इंशाल्लाह कामयाबी एक दिन ज़रूर आपका नसीब होगी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.